एक्सप्रेस न्यूज। शिविर के समापन पर कार्यकर्ताओं को डीसी पीआरबी द्वारा देर रात्रि में की गई मदद। नरोरा पुलिस ने की वाहनों की सघन चेकिंग। मापर था डायन होने का शक, चाकुओं से गोद कर उतारा मौत के पार। संबल में छत गिरने से दो मासूम सहित तीन की मौत। दिल्ली अस्पताल की पार्किंग में महिला से हुआ गैंगरेप, तीन आरोपी गिरफ्तार। देश में कोरोना के कुल 82.6 लाख मामले, अब तक 76,03,121 लोग हुए ठीक। मुनव्वर राणा के बयान दर्ज करेगी हजरतगंज पुलिस, विवादित बयान पर हुआ था मुकदमा। लखनऊ एलडीए ने शुरू किया अवैध निर्माण, ढहाने का अभियान, आज जमींदोज होगा ड्रैगन मार्ट। लखनऊ छठ घाट पर चला सफाई अभियान, भोजपुर समाज के लोग हुए शामिल। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट स्कीम, आईपीएस अरविंद सैन फरार घोषित, अभी तक नहीं लगा सकी पुलिस पता। लखनऊ मोहनलालगंज में बीडीसी सदस्य की गोली मारकर हत्या कर भाग रहे बदमाशों की स्कॉर्पियो पलटी। रामपुर डिलीवरी सर्विस कार्यालय में हुई लूट मामले में नया मोड़, 9 लाख से घटकर 2 लाख रह गई रकम। नौगवा सादात विधानसभा क्षेत्र में सुबह 9 बजे तक 8.5% मतदान। अमरोहा में इलेक्शन, शराब की पेटी खत्म हो गई, अब 2200 वाली बोतलें बची हैं। मतदान से पूर्व एक प्रत्याशी का ऑडियो हुआ वायरल। संबल में मकान की छत गिरने से 3 की मौत, 10 घायल, बचाव कार्य में लगे चौकी इंचार्ज को पड़ा दिल का दौरा। नौगामा सादात इलेक्शन 2020, सुबह 7 बजे से ही लगी थी लाइन, एक बूथ पर 20 मिनट की देरी से हुआ था शुरू मतदान। पीएम मोदी बिहार इलेक्शन रैली, अररिया में बोले पीएम मोदी, बिहार में हार रही रंगदारी, जीत रहा विकास, सहरसा के लिए रवाना। करवा चौथ 2020, जानिए आपके शहर में 4 नवंबर को कब दिखेगा करवा चौथ का चांद। कोरोना वैक्सीन की रेस में आगे निकला भारत, 7 करोड़ खुराक तय, जाने अन्य देशों का भी हाल। यूपी उपचुनाव, 7 सीटों पर मतदान जारी, सुबह 11 बजे तक 18.49% हुई वोटिंग। 3 शिशुओं की मौत का मामला, राजकीय बाल गृह में नियुक्त होगी स्थायी स्टाफ नर्स। इंजीनियरिंग समझ में नहीं आई तो कॉलेज से भाग गया कर्नाटक का छात्र, आगरा पुलिस ने ढूंढ निकाला। मुरादाबाद, छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने का काम करती है परिषद। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में आतंकी हमला, पुलिस ने किया हमलावर को ढेर।